नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और इंडियन पॉलिटी के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे और हमारे उस अध्याय का नाम है संविधान में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग संविधान के संशोधन की क्या प्रक्रियाएँ हैं उन सारी प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है और इन सब के बारे में हम एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में संविधान में किस प्रकार से संशोधन होता है इसके बारे में आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताएं कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया है। और साथ ही साथ अगर आपको कहीं पर डाउट हो तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि संविधान में संशोधन आखिर में होता क्या है और किस के अंतर्गत हमारे संविधान में इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो अगर हम लोग बात करते हैं अपने संविधान के भाग 20 के बारे में, सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि हमारे संविधान के भाग 20 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है और इसके लिए एक अनुच्छेद भी है हमारे संविधान में, इसका नाम है आर्टिकल 368। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के द्वारा हमारा जो संसद है वह संविधान में संशोधन कर सकता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो भी संशोधन किए जाते हैं उसमें संसद के द्वारा अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये पता चला कि जो भी हमारे संविधान में संशोधन करने की शक्ति है वह किसके पास है, वह शक्ति है संसद के पास में, यानी कि संसद ही किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है। अब किस प्रकार से संशोधन हो सकते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि संविधान में जो भी उपबंध दिए गए हैं, उपबंध का मतलब है जो भी हमारे आर्टिकल हैं या जो भी हमारे पार्ट हैं या जो भी हमारे शेड्यूल हैं यानी कि अनुसूची हैं, भाग हैं, उन सब में ये परिवर्तन कर सकती है यानी कि बदलाव कर सकती है, परिवर्धन कर सकती है यानी कि उसका विस्तार भी कर सकती है, कुछ और प्रोविजन उसमें जोड़ सकती है, उसके अलावा उसका निरसन कर सकती है, यानी कि किसी भी प्रोविजन को हमारी संसद संविधान से समाप्त भी कर सकती है। तो इस प्रकार से तीन चीज़ें कर सकती है किसी उपबंध के संबंध में। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है हमारे भारत में, तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि ब्रिटेन में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह बहुत ही ज़्यादा आसान है और अगर हम लोग यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो संशोधन की प्रक्रिया है वह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो भारत की अगर हम लोग बात करें और इन दोनों देशों से तुलना करें तो भारत के संविधान संशोधन के बारे में आप बात कह सकते हैं कि यह ना तो यूएसए के समान है बहुत ही ज़्यादा कठोर और ना ही ये ब्रिटेन के समान है, यानी कि दोनों का ये मिला जुला रूप है। कहीं पर आपको ये कठोर दिखेगा तो कहीं कहीं पर आपको ये नरम भी दिखेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक ज़रूरी चीज़ कि केशवानंद भारती मामला जो कि हुआ था 1973 में, अगले अध्याय में इसके बारे में हम लोग जानेंगे, तो केशवानंद जो भारती मामला हुआ था उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो भी हमारा संविधान है उसमें मूल ढांचे से संबंधित जितने भी उपबंध हैं उन उपबंधों में किसी भी प्रकार का संशोधन संसद के द्वारा नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफाइन नहीं किया है कि मूल ढांचा है क्या। जब इनसे पूछा गया कि आखिर में मूल ढांचा है क्या, तो इन्होंने यहाँ पर कह दिया कि मूल ढांचा क्या है इसकी व्याख्या समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही की जाएगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं संविधान संशोधन के मामले में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वह सर्वोच्च है, यानी कि अगर ये चाहे तो किसी भी संशोधन को निरस्त कर सकता है। अब हम बात करेंगे संशोधन की प्रक्रिया के बारे में, यानी कि किस प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है। तो देखिए, मान लीजिए कोई संविधान में संशोधन करना है तो संशोधन के लिए आता है एक बिल, एक विधेयक आएगा और वह जो विधेयक होगा वह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि आप उसे लोकसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं या फिर उसे राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो क्या होगा, सबसे पहली जो प्रक्रिया है उसका आरंभ संसद के किसी एक सदन से होता है, उसके बाद में ये जो संशोधन संबंधी विधेयक होता है यानी कि जो बिल होता है यह विधेयक कोई मंत्री भी ला सकता है, इसके अलावा कोई गैर सरकारी सदस्य भी ला सकता है, यानी कि जो हमारे सांसद हैं चाहे राज्यसभा की बात करें चाहे हम लोकसभा की बात करें उनमें से किसी के द्वारा ये विधेयक लाया जा सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि राष्ट्रपति की पहले से स्वीकृति यहाँ पर आवश्यक नहीं है,
मतलब कि आप ये ऐसा नहीं है कि आप विधेयक को पहले राष्ट्रपति के पास लेके जाएं, उनको दिखाएं, वह स्वीकृति दे, उसके बाद में आप राज्यसभा या लोकसभा में लेके आएं, तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप राष्ट्रपति को दिखाएं या ना दिखाएं। अगले स्टेप की बात करें तो अगला जो स्टेप होता है उसमें जो हमारा ये बिल होता है इसे किसी एक सदन में पास होना अनिवार्य होता है। किसी एक का मतलब है जिस सदन में उस बिल को लाया गया है उस सदन में बहुमत के द्वारा इसे पारित होना अनिवार्य होता है। जब एक बार वह बिल उस सदन में पारित हो जाता है तो उसके बाद में उस विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। यानी कि मान लीजिए लोकसभा में पहले गया, लोकसभा ने इसे पास कर दिया, तो अगर लोकसभा से ये पास हुआ तो फिर ये जाएगा राज्यसभा में और राज्यसभा से फिर इसको मंजूरी मिलेगी। यानी कि दोनों सदनों में इस विधेयक को अलग अलग पारित करना अनिवार्य है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और याद रखना है कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था है जो कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आती है, कोई ऐसा संशोधन है जो कि संसदीय व्यवस्था के अनुरूप किया जा रहा है या संसदीय व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन करता है, तो इस प्रकार के संशोधन के मुद्दे पर जितने भी हमारे राज्य हैं उनमें से आधे राज्यों के विधानमंडलों की भी संतुति आवश्यक होती है। मतलब क्या होगा कि पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर मान लीजिए राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद में ये भेजा जाएगा सभी राज्यों में। तो जितने भी राज्यों में भेजा जाएगा या जितने भी भारत में राज्य हैं उन राज्यों में से आधे में इस विधेयक को सहमति मिलना आवश्यक है, तभी यह संशोधन माना जाएगा। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जब दोनों सदनों में, उसके अलावा अगर राज्य की भी बात आती है और राज्य में इसे पास कर दिया गया, तो फिर इसे सहमति मिलनी होती है राष्ट्रपति से। और राष्ट्रपति के पास में, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति के पास में मान लीजिए बिल गया संशोधन संबंधी, तो राष्ट्रपति ना तो इस विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और ना ही इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति की सहमति यहाँ पर अनिवार्य होगी। राष्ट्रपति वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के पास में किसी विधेयक के संबंध में क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, तो इंतजार करिए, वो चैप्टर आएगा तब आप इसको और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और एक बार राष्ट्रपति की यहाँ पर सहमति बन जाती है तो जो भी हमारा बिल होता है वह एक अधिनियम बन जाता है। तो ये आपने पूरी प्रक्रिया समझी, क्या मैंने बताया, सबसे पहले किसी एक सदन में पास होगा, फिर दूसरे सदन में पास होगा और उसके बाद में अगर राज्य संघीय व्यवस्था में बदलाव से संबंधित है तो इसे भेजा जाएगा राज्यों में और आधे राज्यों के विधानमंडलों से पास होने के बाद में ये आएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति की सहमति के बाद में ये फाइनली जाकर के एक अधिनियम बन जाएगा। अब अगर हम लोग अपने भारत के संविधान के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 में बताया गया है संशोधन के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम संशोधन को तीन भागों में बांटते हैं। एक तो हो गया संसद के साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा हुआ संसद के विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा हुआ संसद के विशेष बहुमत द्वारा व आधे राज्यों के विधानमंडलों की संतुति के उपरांत। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है कि संशोधन तो तीन प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे ये बात के दोनों हैं यानी कि सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, इसी को हम लोग आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन मानते हैं। अगर आपको याद हो संघ और यूनियन टेरिटरी के बारे में जब हमने पढ़ा था, संघ और उसके राज्य क्षेत्र वाले अध्याय में, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 सिंपली ये कहता है कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो उसे हम आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर आर्टिकल 368 के अंतर्गत यानी कि 368 के अंतर्गत सिर्फ दो प्रकार के संशोधन होते हैं। एक तो है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों के विधानमंडलों की संतुति के उपरांत। यहाँ पर जो हमारा पहला होता है संसद के साधारण बहुमत द्वारा, इसे हम 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा सिंपल मेजोरिटी होता है यानी कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होता है वह किस प्रकार का होता है। तो आइए सिंपल मेजोरिटी को यहाँ पर समझते हैं। सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत इसे कहा जाता है और यहाँ पर जो हमारे सदन के 50% मेंबर हैं उनको काउंट करेंगे। 50% मेंबर जो प्रेजेंट हैं और जो वोटिंग दे रहे हैं उनमें से इसे काउंट किया जाता है। जैसे वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो टोटल लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है ये आप कंसीडर कर सकते हैं कि 545 है, यानी कि 545 लोग हैं, इनमें से 5 सीटें वैकेंट हैं, खाली हैं, तो इसका मतलब कुल सीटें हैं और कुल सीटें कितनी होगी 540। अब जिस दिन वोटिंग होनी है उस समय मान लीजिए कि हमारी लोकसभा में कुल 500 मेंबर प्रेजेंट हैं और इन 500 मेंबर में से 50 ने ये डिसाइड किया कि हम वोटिंग नहीं करेंगे,
इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम वोटिंग नहीं करेंगे। और इन्होंने जब ये डिसाइड किया तो हमारे पास जितने मेंबर हैं जो लोग प्रेजेंट हैं और वोटिंग करेंगे उनकी संख्या है 450। कितनी है? 450 है। तो यहाँ पर अगर किसी बिल को सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से पास करवाना है तो उसके लिए 226 वोट यहाँ पर उसके पक्ष में पड़ने चाहिए। एक बार आइए फिर से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कुल सदस्यों की संख्या है 545, उसमें से 5 सीटें खाली हैं, यानी कि जितने मेंबर प्रेजेंट हैं हमारे लोकसभा में, आज मान लीजिए लोकसभा का सत्र चल रहा है तो इसमें 500 लोग प्रेजेंट हैं। अब इन 500 लोगों में से 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा हम वोट नहीं देंगे, वोट देना यहाँ पर अनिवार्य नहीं होता है। तो वोट देने वालों की संख्या कितनी हुई? 450। 450 केवल वोट देंगे। और इनमें से अगर सिंपल मेजॉरिटी से किसी विधेयक को पास करवाना है तो उसके लिए 226 लोगों की आवश्यकता होगी, यानी कि इसका आप हाफ करेंगे 450 का तो हमारा होता है 225, और इसमें एक जोड़ देंगे तो 50 प्लस हो जाएगा। तो 50 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 50 से एक ही चाहे ज़्यादा हो, तो फिर वह जो विधेयक है, जो वह साधारण विधेयक है, वह हमारा पास हो जाएगा। यानी कि जो भी विधेयक है वह साधारण बहुमत से यहाँ पर पास हो जाएगा। तो ये हमारा होता है सिंपल मेजॉरिटी। अब हम लोग बात करेंगे साधारण बहुमत के बारे में। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें जो संशोधन होता है वह 368 के अंतर्गत नहीं होता है, और दोनों सदनों में ये साधारण बहुमत के द्वारा पास किया जाता है। अब हम लोग व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। व्यवस्थाओं का मतलब क्या है कि किस प्रकार के संशोधन हमारे साधारण बहुमत के द्वारा हो सकते हैं। तो जैसे कि नए राज्यों के प्रवेश की अगर हम लोग बात करें, जैसे आपने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में देखा होगा नए राज्य का एक प्रवेश किया गया, कौन सा? लद्दाख का। या फिर हम बात करें नए राज्यों के निर्माण और उनके क्षेत्र सीमाओं व संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का आप इस समय वर्तमान में बेहतर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं हुई। राज्य विधान परिषद का अगर किसी राज्य में निर्माण करना है या उसकी समाप्ति करना है तो ये भी साधारण बहुमत से होता है। दूसरी अनुसूची में कोई परिवर्तन करना है, नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति के बारे में कोई प्रावधान करना है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि पाँचवीं व छठी अनुसूची में अगर कोई बदलाव करना है तो इसके लिए भी साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जाता है। अब यहां पर दो अनुसूची आपने सुना, एक पांचवी है। पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची में मुख्य रूप से जो एससी और एसटी कैटेगरी होती हैं उनके प्रशासन के बारे में बात की गई है। और अगर हम लोग यहां पर छठी अनुसूची के बारे में बात करते हैं तो छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बात की गई है। दूसरी अनुसूची है तो दूसरी अनुसूची में क्या है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट हो गए, हमारे गवर्नर हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, या फिर हमारे जज हो गए, तो उनके लिए क्या भत्ते होने चाहिए, क्या उनके लिए वेतन होना चाहिए, इन सब के संबंध में जो भी विशेषाधिकार हैं उसे दूसरी अनुसूची में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें मुख्य रूप से शामिल होती हैं साधारण संशोधन के अंतर्गत। अब हम लोग बात करेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, संसद में विशेष बहुमत के द्वारा किस प्रकार से संशोधन किया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 38% से अधिक होना चाहिए, और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वालों सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत होना चाहिए। व्यवस्थाओं की बात करें तो मूल अधिकार के संबंध में अगर कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो उसके लिए भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर आइए हम समझते हैं, अब विशेष बहुमत को समझें उससे पहले हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और इफेक्टिव मेजॉरिटी को समझना होगा। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है। मान लीजिए कि हमारे संसद में, यानी कि संसद का जो सदन है लोकसभा, उसमें 545 मेंबर हैं, तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि कितने लोग प्रेजेंट हैं। अगर आपको कोई बिल पास करवाना है तो आपको 273 लोगों की सहमति चाहिए ही। यहाँ पर जो हमारा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता है ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ कितनी है, यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि कितने लोग प्रेजेंट हैं। यहाँ पर मैटर ये करता है कि जितना वहाँ पर सीट है, यानी कि जितने लोग हैं उस सदन में, उनका बहुमत चाहिए हमें, उनका 50% चाहिए, यानी कि 273 लोग आपको चाहिए, तब आप किसी भी बिल को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास करवा सकते हैं। इसी में हमारा आता है दूसरा, जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है, मान लीजिए कि लोकसभा की स्ट्रेंथ है 545, 5 सीटें यहाँ पर खाली हैं, इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हो गई, यानी कि कितने लोग प्रेजेंट हैं, तो ये हो गई 540। अब मेंबर जो प्रेजेंट हैं और जिन्होंने डिसाइड किया कि हम वोट नहीं करेंगे वह है 50, तो इस समय आपके पास कितने वोट हो गए, 490। अब यहाँ पर इफेक्टिव मेजॉरिटी के लिए 245
व्यक्तियों का वोट चाहिए, कितना, 245 लोगों का वोट चाहिए जो कि 50% के आसपास होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब हम इन तीनों को शामिल करते हैं, यानी कि जो हमारा साधारण बहुमत है या जो हमारा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है या फिर हम इफेक्टिव मेजॉरिटी की बात करें, इन तीनों को मिला करके जो हमारा बहुमत होता है उसी को हम लोग कहते हैं विशेष बहुमत। यानी कि जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल्ड होती हैं तो उसके बाद में कोई जो हमारा बिल होगा वह विशेष बहुमत के द्वारा पास होता है। तो ये आपको याद रखना है, अगर डाउट हो तो आप बता दीजिएगा जिससे मैं अगले अध्याय में आपके डाउट को और बेहतर ढंग से क्लियर कर सकूं। तो विशेष बहुमत की बात हो गई, अब विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति की बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा हमारा प्रोविजन है जो कि आता है संघीय ढांचे के अंतर्गत, जैसे फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कर लीजिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति का जो हमारे चुनाव होता है उसमें लोकसभा के राज्यसभा के निर्वाचित सांसद तो भाग लेते ही हैं, साथ ही साथ जो हमारी विधानमंडल होती हैं उनके विधायक भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो भी वहां पर निर्वाचित MLA होते हैं वे भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगर सरकार चाहती है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में या इसकी प्रक्रिया के संबंध में कोई संशोधन करना चाहे तो उसके लिए राज्यों के आधे विधानमंडलों की सहमति आवश्यक होगी। क्यों आवश्यक होगी? क्योंकि संघीय ढांचे के अंतर्गत आ गया। संघीय ढांचे का मतलब क्या है कि यहाँ पर विधानसभाएं भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसीलिए विशेष बहुमत के साथ साथ यहाँ पर जो हमारे आधे राज्य के विधानमंडल हैं उनकी भी मंजूरी आवश्यक होती है। तो ये हमने तीनों प्रकार के संशोधन के बारे में बात की। सबसे पहले हमने साधारण बहुमत को समझा, फिर हमने बात की विशेष प्रकार का बहुमत क्या होता है, उसके अंतर्गत हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बारे में बात की, और फिर हमने बात की कि विशेष बहुमत और उसके अलावा आधे राज्यों की स्वीकृति किस प्रकार से होती है। तो आई होप अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग एक और स्टेप बात करेंगे कि व्यवस्थाएँ क्या हैं विशेष बहुमत के संबंध में, विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति के संबंध में कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की जाए या इसकी प्रक्रिया की बात की जाए तो इसे भी विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति से किया जाएगा। आगे केंद्र व राज्य कार्यकारिणी की जो शक्तियाँ हैं उनके विस्तार के संबंध में कोई संशोधन किया जाए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के संबंध में कोई संशोधन किया जाए, केंद्र व राज्य के बीच में विधायी शक्तियों के विभाजन के संबंध में कोई संशोधन किया जाए, 7वीं अनुसूची के संबंध में कोई संशोधन अगर किया जाता है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से होगा इसके संबंध में कोई संशोधन किया जाता है, या फिर अगर हम बात करें संविधान में संशोधन की जो संसद की शक्ति है या जो प्रक्रिया है, यानी कि अगर आर्टिकल 368 में ही संशोधन करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर आर्टिकल 360 में ही संशोधन करना है तो उसके लिए विशेष बहुमत और राज्यों की संतुति आवश्यक है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं संविधान में संशोधन के बारे में। अब संविधान की जो प्रक्रिया है हमारे देश में इसकी आलोचनाएं भी हुई हैं, तो आइए उन आलोचनाओं के बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए, हमारे यहाँ पर जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह किसके अंतर्निहित है, संसद के, किसके अंतर्गत है, किसके अंदर है, संसद के पास ये पावर है कि वो संशोधन कर सकती है। लेकिन अगर हम इसके विपरीत अमेरिका की बात करें यानी कि USA की बात करें तो वहाँ पर एक संवैधानिक सभा है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर एक संविधान सभा थी जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था, तो USA में अभी भी एक सांविधिक सभा है जिसके द्वारा इस प्रकार के संशोधन को इनिशिएट किया जाता है। तो ये आपत्ति हुई कि हमारे यहाँ पर सीधे पूरी पावर संसद को दी गई है, और दूसरी जो कमी है कि संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। इसका मतलब क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल कुछ मुद्दों पर ही राज्यों की सहमति आवश्यक है, बाकी ज़्यादातर संशोधन ऐसे हैं या ज़्यादातर हमारे संविधान के उपबंध ऐसे हैं जिनमें संसद अगर चाहे तो वह अकेले ही संशोधन कर सकती है। संविधान के बड़े भाग पर संसद द्वारा अकेले संशोधन, यही मैंने आपको बताया कि संशोधन की शक्ति सबसे ज़्यादा संसद में है, और ये अगर चाहे तो संविधान के ज़्यादातर हिस्से को अकेले यानी कि विधानसभा की बिना संतुति के भी संशोधन कर सकती है। इसके अलावा संविधान में राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन संबंधी मंजूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित है। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारे राज्य हैं, राज्यों में 50% है, लेकिन अगर आप इसके विपरीत अमेरिका में जाएंगे, अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पर 3/4 होना चाहिए, यानी कि जितने भी राज्य हैं उनमें से 3/4 से अगर ये पास होगा, 75% राज्य समर्थन करेंगे तब जाकर के वो विधेयक पास होता है।
आगे अगर हम लोग बात करें तो संयुक्त बैठक का यहाँ पर प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक के बारे में हम लोग राष्ट्रपति वाले अध्याय में पढ़ेंगे। संयुक्त बैठक तब मुख्य रूप से बुलाई जाती है कि जब कोई हमारा ऐसा विधेयक हो जिस पे गतिरोध हो। गतिरोध का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई एक सदन पास करने को तैयार हो लेकिन दूसरा सदन पास करने को तैयार ना हो, तो उस स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और उस संयुक्त बैठक के माध्यम से अगर जिस हमारे सदन में मेजॉरिटी होती है उसके सहयोग से उस विधेयक को पास कर दिया जाता है। तो ये हमने बात की संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। अब अगला हमारा अध्याय है 11वां अध्याय, जिसमें हम लोग संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो वह भी चैप्टर काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। उसके जरिए आप लोग संविधान के मूल ढांचे को समझेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।